हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। तो आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी लॉबी में गलती से फ्लैश अगर आ जाता है तो आपको कैसे सरवाइव करना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लस निकालना है। और दूसरी बात गाइस, आज के वीडियो में गाइस हमारे दो गेम प्लेस हैं और दोनों गेम प्लेस में गाइस हमारे मैच में हैकर लाइक फ्लैश हैकर था, बट यहाँ पर दोनों गेम प्ले गाइस थोड़े से डिफरेंस है। लाइक एक गेम प्ले में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको सर्वाइव कैसे करना है पूरा मैच, सिर्फ सर्वाइवल गेम प्ले। और सेकेंड गेम प्ले लाइक अगर आपको मेरे जैसे चुल मस्ती की हैकर को मारने की और किल्स की, तो वो वाला गेम प्ले भी हमने खेला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बात करते गए इस पहले गेम प्ले की, लाइक सर्वाइवल गेम प्ले। अब गाइस देखो, मैच में स्टार्टिंग में जब पता चल चुका था कि इसमें एक हैकर है, तो यहाँ पर मैं अपने ड्रॉप लोकेशन पर लूटता रहता हूँ। और इतने में गाइस यहाँ पर एक बंदा जाता है, तो यहाँ पर गाइस इस बंदे में किल्स निकालने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। लाइक इसने अच्छे से लूटा भी नहीं था और यहाँ पर ये मुझ पर डायरेक्ट पुश कर देता है मुझे मारने के लिए। तो गाइस अभी आप देखना लाइक इस बंदे से हम किस तरह से फाइट लेने वाले हैं। अब यहाँ पर गाइस ये वाला किल मेरे लिए फ्री किल जैसा था। लाइक ये बेचारा कोई नूबी बंदा था जो फिलहाल के लिए आज स्टार्टिंग में खेलना स्टार्ट किया होगा, तो फिलहाल के लिए इस बंदे को इजीली मार लेते हैं। और इसे मारने गाइस मैं वापस से अपने कंपाउंड में जाता हूँ, लाइक अपने फैक्ट्री में जाता हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं घूमता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फ्लैश अगर मेरे क्लोज में आता है तो मुझे ओपन एरिया में इजीली मार देगा। तो यहाँ पर मैं आराम से होल्ड करता रहता हूँ। और इतने में गाइस यहाँ पर जोन भी स्टार्ट हो चुका था, तो मैं सोचता हूँ कि अब तो वो जोन के बाहर 2000 या फिर 3000 मीटर तो दूर नहीं आने वाला है। तो वहाँ से बग्गी ली गई, मैं अपने राइट साइड में मिलता पावर में जाता हूँ। और यहाँ पर आने का गई मैं सबसे पहले तो जितनी हो सके हीलिंग्स लाइक बैंडेजेस, फर्स्ट एड, ड्रिंक्स वगैरह कैरी करता हूँ, बिकॉज गई जो पूरा मैच है वो मुझे सर्वाइवल निकालना है, मुझे जोन के अंदर एंटर नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं जोन के अंदर जाऊँगा तो वो मुझे ईजिली मार देगा। तो गई जितनी हो चुकी हेल्थ किट आपको कैरी करना है अगर आपको फ्लैश हैकर के अगेंस्ट सर्वाइवर गेम प्ले खेलना है तो। अब यहाँ पर गाइस मैं पूरा मिलता पावर लूट लेता हूँ। और यहाँ पर गाइस मुझे अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है लाइक हेल्थ किट वगैरह, बट यहाँ पर गाइस मुझे हेल्थ किट की कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी। लाइक मेरे पास फिलहाल के लिए 6 हेल्थ किट है और यहाँ पर मुझे ज़्यादा हेल्थ किट चाहिए, लाइक 10 से 15 या फिर 20, ताकि मैं जोन के एंड तक सर्वाइव करूँ, लाइक डेथ जोन तक। तो वहाँ से अपनी लूट कंप्लीट करके मैं सीधा मिलता में आता हूँ और यहाँ पर लूट करना स्टार्ट करता हूँ और जितना हो सके हेल्थ किट कैरी कर लेता हूँ यहाँ से। अब गई हमारा जो 6th जोन है वो बनने वाला था और यहाँ पर मुझे समझ में आ चुका था कि अब मैं जोन में नहीं जा सकता, तो यहाँ पर मैं मेरे पूरे गन्स वगैरह गिरा देता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं हील करूँ तब मेरे हाथ में कोई गन्स वगैरह रहे और मुझे हील मेटल में कोई इशू हो। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपने गन्स वगैरह गिरा देता हूँ और थोड़ा सा स्पेस भी ले लेता हूँ, और ताकि थोड़े और हीलिंग वगैरह मैं कैरी कर सकूँ। अब गाइस मैंने पूरी अपनी हेल्थ वगैरह कैरी कर ली थी और यहाँ पर गाइस हमारा 7th जोन बनने ही वाला है और यहाँ पर ये बन गया और मुझे समझ में आया कि अब फर्स्ट एड लगाने का टाइम हो चुका है। तो अब यहाँ से हमारा हिल बैटल स्टार्ट होता है और यहाँ पर गाइस लास्ट 3 ही बंदे थे और एक फ्लैश बचा था जिसमें से एक मैं था। तो अभी आप देखने गाइस मेरी कौन सी पोजिशन आने वाली है इस हिल बैटल से।
और यहाँ पर गाइस अब सिर्फ दो बंदे बचे हुए थे, जिसमें से एक फ्लैश और एक मैं। और यहाँ पर गाइस मेरी हेल्थ किट भी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो यहाँ पर एक हम सस्ता वाला इमोट करेंगे और फिलहाल के लिए हमारा मैच यही खत्म होता है। तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा सेकंड पोजीशन भी मिल जाता है और इस मैच में मुझे अच्छा खासा प्लस भी मिल जाता है। तो गाइस आप इस तरह से अगर आपकी लॉबी में कोई फ्लैश हैकर आता है तो आप इस तरह से इजीली सर्वाइव कर सकते हो और अच्छा खासा प्लस भी ले सकते हो। अब बात करते गाइस हम हमारे सेकंड गेम प्ले की। अब इस लॉबी में भी गाइस एक हैकर था, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। तो यहाँ पर गाइस मैं सोचता हूँ कि यार फ्लैश हैकर से सर्वाइवल गेम प्ले तो बहुत खेल लिया, अब थोड़ा सा हम किल्स भी निकालेंगे और ट्राई करेंगे उस हैकर को मारने का। तो गाइस यहाँ पर मैं सीधा फर्स्ट जोन में हैकर को मारने के लिए नहीं निकलता हूँ, लाइक आप भी मत निकलना, थोड़ा सा वेट करो, जिससे आप अगर गलती से हैकर से मरते हो तो आपको माइनस बिल्कुल ना लगे, आपको प्लस हो एक या दो या फिर माइनस हो एक या दो। तो यहाँ पर मैं चार जोन तक तो आराम से होल्ड करता हूँ और पांचवी जोन में एंटर करता हूँ और यहाँ पर ही होल्ड करता हूँ कि इतने में यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। और ये बंदा गाइस आई डोंट नो, इसने टीपी भी गलत जगह पे लिया था, तो इसे हम इजीली मार देंगे। और फिलहाल के लिए जोन मेरे पास ही था तो मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। अब यहाँ पर गई जोन भी हमको टच कर लिया था, तो मैं सोचता हूँ कि जोन के बाहर जितने भी कंपाउंड होंगे वहाँ से हम अपनी लूट कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़े से हेल्थ किट वगैरह मिल जाए और हम चार जोन तक तो जोन के बाहर सर्वाइव करें इजीली। अब गाइस मैंने चार जोन जोन के बाद सर्वाइव कर लिया था और यहाँ पर पांचवा जोन बन चुका था, तो यहाँ से मैं सीधा जोन के एच पे जो कंपाउंड है वहां पर आता हूँ, लाइक इस स्नाइपर टावर पे। और गाइस मैं फटाक से इसके अंदर आता हूँ, बिकॉज गाइस आपको अगर किसी भी हैकर से फाइट लेनी है और फाइट जीतनी है तो गाइस कभी भी ओपन एरिया में बिल्कुल मत जाना, आपको एक सपोर्ट चाहिए लाइक कंपाउंड जैसा। बट यहाँ पर गाइस जो छठवा जोन है वो हमसे कट चुका था, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर हो चुका है खान। और इतने में गाइस हमारे सामने जो कंपाउंड है वहाँ पर मुझे एक बंदे का फुट का साउंड आता है, तो यहाँ पर मैं उस पर थोड़े से नेट्स वगैरह करने का ट्राई करता हूँ। बट इतने में गाइस हम पे आता है स्प्रे M1 का, और ये गाइस और कोई नहीं वो फ्लैश हैकर ही है, तो फिलहाल के लिए बहुत दूर से हम पे स्प्रे मार रहा है। तो यहाँ पर मैं फटाक से सो जाता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उसकी एम बॉट से बुलेट मुझे विंडो के कॉर्नर पर रहने पर चिपक जाए। और इतने में गाइस ये जो बंदा था इस पर मैं एक मॉली कर देता हूँ, और लकीली गाइस ये मेरी मॉली एकदम परफेक्ट थी और यहाँ पर बंदे को अच्छा खासा डैमेज भी बैठता है। तो फिलहाल के लिए उस कंपाउंड के बाहर चला जाता है। तो गाइस मैं इसे थोड़ा सा नेट वगैरह के थ्रू मारने का ट्राई करता हूँ अब। और यहाँ पर गाइस हमारा नेट एकदम परफेक्ट था और इस बंदे का किल मुझे एकदम इजीली मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पर लास्ट दो बंदे बचे थे, जिसमें से एक हम और एक फ्लैश, और इतने में गाइस ये यहाँ पर आके मुझे इजीली मार देता है। तो यहाँ पर गाइस मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पर मुझे ओपन में रोटेशन मारना है और मुझे इजीली मार देगा। अगर यहाँ पर मैं कंपाउंड के सपोर्ट में होता तो थोड़ा कुछ कर सकता, बट यहाँ पर हमसे चिकन डिनर मिस हो चुका है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते गाइस हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।